अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के द्वारा आज 9वां सम्मेलन रखा गया, जहां महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के बारे में चर्चा की गई। इस सरकार में बताया कि महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि मोदी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही थी। वहीं गरीबी के कारण महिलाएं दम तोड़ती जा रही हैं, जहां आधार कार्ड व राशन कार्ड न होने के कारण झारखंड में एक महिला ने भूख से भात भात कहते कहते अपना दम तोड़ दिया। आज के वक्त में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन दिन रात महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही। इन सभी समस्याओं के कारण आज महिला समिति द्वारा एक सम्मेलन कर महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक बैठक की गई। मैं मधु गर्ग हूँ और मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष। ये हमारा जिला सम्मेलन है आगरा का, और ये पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में जहाँ भी हमारी इकाई है सम्मेलन चल रहा है। तो इन सम्मेलनों का उद्देश्य ये होता है कि जो पिछले 3 साल 4 साल में जिस तरह देश और प्रदेश की परिस्थितियाँ हुई हैं, जिस तरह की महिलाओं पर क्या असर पड़ा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर हम पिछले 3 साल का देखें हाल, तो महिला हिंसा की घटनाओं में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, खासतौर से आपके आगरा में तो बहुत ही भयानक किस्म की घटनाएँ हुई। सरकार जो है वो आई थी शासन में ये कह के कि भाजपा मैदान में महिलाओं के सम्मान में, लेकिन उल्टा हुआ कि औरतों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और जो सत्ता दल के लोग हैं वो कभी कभी पक्ष में आ रहे हैं। हम उन्नाव की घटना देखते हैं जिसमें MLA जो सेंगर थे, हमारा संगठन भी उसमें गया था और आज तक उनको पार्टी से नहीं निकाला गया। मैं पूछा करूँ कठुआ को हम देखते हैं कि जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसको जो है उसके पक्ष में, बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। तो इस तरह जो महिला हिंसा की घटनाएं हैं, दलितों पर जो हिंसा की घटनाएं हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि हमारा संगठन गरीब महिलाओं का संगठन है, तो हम देखते हैं कि जो गरीबों पर जो मार पड़ी है उसका बहुत जो बड़ा असर है वो हमारी महिलाओं पर पड़ा है। राशन का सवाल हो, कहने को अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सबको राशन देना हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है, लेकिन हम लोग जानते हैं अभी औरतें हमारी बोलेंगी कि अंगूठा और आधार कार्ड की वजह से लोगों को राशन से वंचित किया जा रहा है। झारखंड में वो छोटी सी बच्ची भात भात कह के मर गई, बरेली में मर गई। तो मतलब एक आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन की वजह से लोगों को खाद्य सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल हैं और तमाम जो दकियानुषी सोच है, जैसे कि अब केरल में शबरीमाला मंदिर में हम प्रवेश नहीं करने देंगे चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया हो, तो जो इस तरह के हालात हो रहे हैं, ट्रिपल तलाक का मामला ले आए कि जैसे लग रहा है कि ट्रिपल तलाक करके मुस्लिम औरतों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, जबकि हिंदू औरतें उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में बिना तलाक के घर से बाहर घूम रही हैं। रोज़ हम लोग के पास 2-4 केस ऐसे आते रहते हैं। तो ये क्या है, मतलब किसी कम्युनिटी के प्रति दुश्मनी का भाव रखना, जो मतलब जो देश के नागरिक उनको नागरिक ना बना के उनको जाति और धर्म में बांट देना, उनके बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर देना और किसी भी मोर्चे पे सफल ना होना, और जब सफल ना होना तो उसके लिए तमाम भावनात्मक मुद्दों को उठा देना, धर्म की बात करना, राम मंदिर की बात करना, मस्जिद की बात करना, तो ये सारे मुद्दों को लेकर हमारी जनवादी महिला समिति इन पर संघर्ष करेगी, क्योंकि इन सब का असर हमारी महिलाओं की, आम महिलाओं की ज़िंदगी पर पड़ता है। घटनाएं रुकने के लिए तो सबसे पहले प्रशासन पे दबाव बनाना है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, पूरी तरह से पुलिस है वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करे, प्रशासन है दिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करें, और फिर हम लोग महिलाओं को जाके हर एक इकाई में जाके उन्हें हम लोग सचेत करते हैं कि भैया सबसे पहला तो अपने ही है सावधानी है कि दुर्घटना घटी, लेकिन इसमें प्रशासन भी बहुत जिम्मेदार है। तो ये अखिल भारतीय, आपको बताऊं मैं कि आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एक ऐसी समिति जो कि नाम बंद होकर हर इकाई बना के, संगठन बना के और अपनी बात को प्रशासन तक पहुँचाती है, और दावे के साथ कह रही हूँ मैं कि जितना आप लोग अगर सर्वे करो पत्रकार लोग, तो जितना हमारा एडवा का कोई भी आगरा में घटना हो तो कम से कम 11 महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल बनाकर हम लोग DM के पास जाकर उस चीज़ को देते हैं। और
वो करते हैं, वो लोग भी अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन जो इस समय शासन प्रशासन में हैं वो लोग बिल्कुल नहीं तवज्जो देते। अभी हमारी यूनिवर्सिटी की दो बालिकाओं के साथ हुआ, उसी दिन बच्चों के साथ भी हुआ, वहाँ गए थाने में और थाने में उन लोगों ने जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें कंधे पर बैठा कर और भारत माता की जय करते हुए निकाल दिया, जुलूस निकाल के उन्हें लेकर गए और हमारी बच्चियों के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ा, फिर उन्होंने जाकर लड़ा। तो ये हम लोग एडवासी हैं, पानी पे, खाद्यान्न पे, किसी भी समस्या हम लोग उठते हैं, महिलाओं को लामबंद करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए। गरीबी से आप जाकर देखो, आप लोग पत्रकार हो, हर बस्ती में जाकर देखो, महिलाओं को ही रूबरू होना पड़ता है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।